आज हम लोग बात करने वाले हैं GNC Pro 100% वे प्रोटीन के बारे में। तो गाइस इसकी कुछ डिटेल्स हम चेक करेंगे। गाइस वैसे तो ये कंपनी इंटरनेशनल USA की कंपनी है, लेकिन ये इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे हम इसकी बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर सप्लीमेंट के ऊपर मिलती है, 24 ग्राम तक प्रोटीन है, 5.5 ग्राम तक BCA डबले एड है, 55 सर्विंग है टोटल इस सर्विंग प्रोटीन के अंदर। तो गाइस ये सप्लीमेंट ग्लूटेन फ्री है, ये आइसोलेट है। कितना आइसोलेट यूज़ किया है वो मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल चेक करके। तो गाइस सबसे पहले इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या है इसकी सर्विंग के अंदर, हमें कितना प्रोटीन न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है। तो गाइस ये है इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल। जो सर्विंग साइज दिया गया है वो 35 ग्राम का है। चम्मच का जो साइज होगा 35 ग्राम का होगा। टोटल सर्विंग 57 तक है, मतलब 57 देर तक चलेगा। एक दिन में आप एक सर्विंग यूज़ कर रहे हो तो गाइस एक सर्विंग के अंदर जो एनर्जी मिल रही है 134 तक है। फैट है 1.8 ग्राम तक, सैचुरेटेड फैट है 0.6 ग्राम तक, कैलस्ट्रॉन है गाइस 57 मिलीग्राम तक, तो कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस। टोटल जो कार्बोहाइड्रेट दी गई है गाइस 5.4 ग्राम तक है, एज शुगर 0 है। प्रोटीन जो दिया गया है गाइस 24 ग्राम तक है, कैल्शियम 170 मिलीग्राम तक है, आयरन भी है, सोडियम भी है, पोटाशियम है। तो गाइस ये इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल है जो काफ़ी अच्छी है, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है न्यूट्रिशन प्रोफाइल। तो गाइज़ इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये अमीनो एसिड प्रोफाइल है जो वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लूसिन दिया गया है गाइज 2510 मिलीग्राम तक, आइसोलूसी है गाइज 1538 मिलीग्राम तक, और वैलिन गाइज इसके अंदर 1418 मिलीग्राम तक दिया गया है। तो गाइज़ ये इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल है जो काफ़ी अच्छी है। तो गाइस अब है सबसे ज़रूरी बात, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो 100% वे प्रोटीन ब्लेंड है ये, मतलब दो तरह के प्रोटीन इसके अंदर ऐड किए गए हैं, वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट। तो गाइस जो फास्ट एंड स्लो डाइजेस्टिंग है वो आपको इन दोनों प्रोटीन के अंदर मिल जाती है। जैसे अगर फास्ट डाइजेस्टिंग की बात करो तो आइसोलेट फास्ट डाइजेस्टिंग होगा, और वे प्रोटीन कंसनट्रेट जो है स्लो डाइजेस्टिंग में काम आता है। तो गाइस ये दोनों ही जो प्रोटीन है इसके सप्लीमेंट के अंदर आ रहा है। तो आप जब भी कोई सप्लीमेंट ले तो यूरा ब्लेंड ही लेना चाहिए, क्योंकि फ्लो आपको फास्ट एंड स्लो डाइजेस्टिंग मिल जाती है। तो गाइस इसके अंदर माइक्रोडेक्सट्रिन भी है, मतलब जो अच्छे वाले सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको इसी से मिल जाती है। तो गाइज ये इसकी इंग्रेडिएंट्स की फाइल है जो काफ़ी अच्छी है, आपने देख ली है। अगर मैं यूज़ करने की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे यूज़ का जो डिटेल दी गई है, यहाँ पे एक चम्मच लेना है और 35 ग्राम का, और इसके साथ आप ले सकते हैं 180 ml से 240 ml तक पानी या फिर मिल्क, आपके ऊपर डिपेंड, आप दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट में लेना है, और दिन में दो टाइम की सर्विंग तो लेनी ही चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो दो टाइम की सर्विंग ज़रूर लेनी चाहिए। और थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है गाइज, आप इसको शेक करके, ब्लेंड करके, ईट करके, मतलब आप कोई ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं जैसे ऑट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, उसमें भी आप इसको प्रोटीन को ऐड करके ले सकते हैं। वो तो सबको आपको पता ही होगा कि आप किसी भी तरह सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मुझे ये सप्लीमेंट काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोफाइल अच्छी है, दो तरह के ब्लेंड मिल जाते हैं, वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, दोनों तरह का प्रोटीन इसके अंदर ऐड है। और गाइज आप मसल बिल्डिंग के दौरान इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।